हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट सभी एस्पिरेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में एक और वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 4 अगस्त 2021 की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CHSL 2020 के एग्जाम में, सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ताकि आपकी SSC से जुड़े सभी एग्जाम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्टेटमेंट रहने वाली हमारी। मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री में मैथ्स में 50 out of 50 स्कोर था, मेंस में मेरा 197.5 out of 200 स्कोर था, और मैं पहली अटेम्प्ट में एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115। और इससे पहले मैं आपको CHSL 2020 के मैथ्स के क्वेश्चन की 8 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं, अभी आपको आई बटन पर दिख जाएगा। और CHSL 2020 के मैथ्स के क्वेश्चन मैं 20 मई तक ख़त्म कर दूंगा। 24 मई से आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो उससे पहले ठीक मैं ये वीडियोस आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए। और इससे पहले मैं आपको CHSL 2019, CGL 19, CGL 20, CPO 19, CPO 20 के भी क्वेश्चंस करा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और जो जो चैप्टर मैंने अभी तक कराए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप एक बार चैनल पे ज़रूर गो थ्रू हो जाएं, ठीक है, चैनल का कंटेंट देख ले। जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आप चैनल का कंटेंट ज़रूर देखें। यहाँ पे सिर्फ काम की बात, सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैथ्स के और मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, फालतू कोई बात नहीं होती यहाँ पे। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी वीडियो मैं उनके लिए लेकर आऊँ वो कभी मिस ना हो उनसे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना। और इससे पहले मैं अपने रिजल्ट आने पे एक फैमिली रिएक्शन का वीडियो बना चुका हूँ, तो एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और जल्द ही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपने स्कोर कार्ड का वीडियो, जो CGL 2019 जो मैंने क्रैक किया है उसका स्कोर कार्ड, प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव का, और अपने चैनल पर जो मैंने अभी तक कराया उसका रिपोर्ट कार्ड मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। तो वो वीडियो भी आपके सामने जल्द ही होगी, ठीक है। और उसके अलावा हमारी ये लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लें, सब जगह आपको कुछ ना कुछ बढ़िया मिलेगा। यूट्यूब चैनल पे आपको मैं मैथमेटिक्स का फ्री कोर्स भी कराऊंगा चैप्टर वाइज, और किसी को अगर कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए हो CGL की तैयारी में, तो CGL, CHSL, CPO मैंने तीनों ही क्रैक किए हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके कभी भी पूछ सकते हैं। इंक्वायरी है कोई हो तो आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कराऊंगा, 2019-2020 के मैंने CPO, CHSL, CGL के क्वेश्चन कराए, पर 2021 से मैं सभी SSC से जुड़े एग्ज़ाम, यानी कि CPO, CHSL, CGL प्री और मेंस, और MTS स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल GD, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आपको कराया करूँगा, जो भी हुआ करेंगे, जो भी कमीशन पूछा करेगी आपसे, तो सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है मैथ से रिलेटेड। जो जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप चैनल पर जुड़े रहें। आपको बोला कि √x + 1/√x की वैल्यू, आपको √6 दिया, आपको बोला है x^6 + 1/x^6 की वैल्यू बताएं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मुझे x^6 + 1/x^6 की वैल्यू बताना है, तो मुझे x + 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, आपको पता है √x का स्क्वायर क्या होता है x, √x का स्क्वायर क्या होता है 1/x, तो मैं √x + 1/√x से x + 1/x की वैल्यू बना सकता हूँ। कैसे? दोनों साइड स्क्वायर करके। आपने दोनों साइड स्क्वायर किया तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, a² √x का स्क्वायर कितना x हो जाएगा, 1/√x का स्क्वायर 1/x हो जाएगा, +2 √x / 1/√x, √x से √x कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या 2, और राइट हैंड साइड में आपके पास कितना हो जाएगा 6, तो x + 1/x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6 - 2 = 4। अब आपने देखा कि x^6 है, ये है x³ का स्क्वायर या x² का क्यूब आप इसको बोल सकते हो, मतलब x^6 जो है, या तो आप इसको x² का क्यूब बोल दो या x³ का स्क्वायर बोल दो, जैसे मर्जी बोल दो, आपको इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि x + 1/x से ही अगर आप x³ + 1/x³ निकालते हो, तब भी आप x^6 + 1/x^6 निकाल सकते हो, और अगर x + 1/x से अगर आप x² + 1/x² निकालते हो, तो उससे भी आप x^6 + 1/x^6 निकाल सकते हो। देखो, मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले क्यूब कर देता हूँ। मैंने क्या किया, आपको पता है कि x + 1/x की वैल्यू अगर a है, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होती है, a का क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब - 3 a। तो आपने देखा 4 × 16 = 64, 64 में से 12 गए तो आपके पास कितने आ गए, 52। अब 52 आ गए, आपके पास x³ + 1/x³ की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो। आपने किया स्क्वायर, तो आपने देखा
कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1 बाई एक्स क्यूब, आपको पता है ये तो कट ही जाना है जैसे ऊपर काटा हमने इसमें, और 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर क्या होता है सभी को पता है, 52 का स्क्वायर होता है 2704, ठीक है। तो x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 2704 में से 2 गया कितना 2702, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते थे कि x प्लस 1 बाई एक्स से आप क्या बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 14, फिर इससे आप x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 की वैल्यू बना सकते हो, इसका क्यूब करके और इधर भी क्यूब करके, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2702 आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 512 आफ्टर गिविंग टू इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ इतना, मतलब 800 का मार्क प्राइस है और मान लिया आपने के दो डिस्काउंट दिए एक्स एक्स परसेंट के, तो 100% खुद की वैल्यू, एक्स परसेंट की छूट दे दी, तो वैल्यू कितनी रह गई, 100 माइनस एक्स परसेंट, और ऐसा दो बार हुआ 512, ठीक है। तो आपने देखा 20 से 20 गया और 8 जो है इसको 64 पे काटेगा, तो आपने देखा 100 माइनस एक्स कितना हो गया, 100 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया 6400, जिसको आप क्या बोल सकते हो 80 का स्क्वायर, तो 100 माइनस एक्स की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 80, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 20%, तो 20% का डिस्काउंट। या फिर आप लोग एक चीज़ और कर सकते थे, देखो मेरा जो मानना है, अगर मैं इक्वेशन करता तो मैं कैसे करता, मैंने देखा दोनों जगह ना इक्वल डिस्काउंट दिया है, मतलब दोनों बारी इक्वल डिस्काउंट दिया है, आपने देखा मार्क प्राइस कितना 800, आपने देखा सेलिंग प्राइस फाइनली कितना हो रहा है 512, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि 512 जो है ना वो 8 का क्यूब है, 512 जो है वो 8 का क्यूब है, मतलब हुआ कुछ नहीं, 1 8 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 8 बनना चाहिए था, यहाँ पे भी 8 बनना चाहिए था। और फिर आपने देखा कि नीचे जो है, आपको पता है परसेंटेज अगर आप हटाओगे तो नीचे 2020 आएगी, 20 यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो 10 यहाँ आएगी, 10 यहाँ आएगी, मतलब जो डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू बची वो 80% बची, मतलब डिस्काउंट कितने का किया होगा 20% का, ऐसे भी हो सकता था क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको दिया, आपको बोला ट्रायंगल एबीसी है जिसमें बीडी जो है और सीडी जो है, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे मान लो कहीं डी है, तो बीडी और सीडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, एंगल बी का सॉरी, और एंगल सी का, मतलब बी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी को, मतलब बी डी जो एंगल बाइसेक्टर हो गया एंगल बी का, और सी डी जो एंगल बाइसेक्टर हो गया एंगल सी का, मतलब आपको पता है क्या कि अगर ट्राइंगल ए बी सी में से बी एंगल का बाइसेक्टर और सी एंगल का बाइसेक्टर किसी पॉइंट पे जाकर मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर वाला पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल बी डी सी जो होगा वो 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू हो जाएगा, तो बी डी सी की वैल्यू कितनी 135, 135 में से 90 गया कितना 45, 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा 90, यही एंगल ए की वैल्यू, और आपसे पूछा भी एंगल ए ही है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि ए बी और सी डी दो कोड है, ए बी और सी डी दो कोड है, ठीक है, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को कितने पे, ओ पे। फिर आपको बोला है सी ओ की आपको लेंथ दे दी कितनी 4, ओ डी की आपको लेंथ दे दी 3.75 या 3.75, और ए बी जो है वो पूरा कितना है 8, मतलब ए बी जो पूरा कॉर्ड है वो कितना है 8, तो आपने ए ओ को x मान लिया, तो ओ बी कितना हो गया 8 माइनस x, तो आपने देखा, आपको पता है जब दो कोड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए मान लो ओ पे, तो ए ओ इंटू ओ बी जो होता है वो सी ओ इंटू ओ डी के इक्वल होता है, तो आपने देखा सी ओ की वैल्यू कितनी 4, ओ डी की वैल्यू कितनी 3.75, तो 4 × 3.75 कितना हो जाएगा आपके पास, आपको पता है 4 × 3.75 4 × 3 = 12 और यहाँ पे 375 तो यहाँ 15 आ जाएगा, और ए ओ आपने क्या माना एक्स, तो ओ बी आपके पास कितना हो गया 8 माइनस x, ठीक है। तो आपने देखा बजाय कि आप इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, आपको पता है कि 15 जो होता है वो क्या होता है 5 × 3 = 15, तो आपने देखा x की वैल्यू अगर 5 है तो 8 - x कितना होगा 8 - 5 = 3, या फिर x की वैल्यू ये भी तो हो सकता है कि x की वैल्यू 3 हो, x की वैल्यू 3 होगी तो 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, मतलब ए ओ अगर 5 है तो ओ बी कितना हो जाएगा 3, ए ओ अगर 3 है तो ओ बी कितना हो जाएगा 5, आपको बोला है कि इन दोनों में से स्मॉलर साइड बताओ, ठीक है। तो आपने देखा दोनों जगह 3 ही स्मॉलर है, तो 3 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत बार कर चुके हैं, कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको पता है 9 40 41 का एक ट्रिपलेट होता है, आपने देखा 41 अगर हाइपोटेन्यूज है 9 अगर परपेंडिकुलर है तो बेस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज,
सॉरी tan theta होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस की वैल्यू कितनी है 40, तो ये आ गया आपके पास 9/8। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है वरुण एंड मधुर इन्वेस्टेड 25,000 रुपए ईच इन डिफरेंट स्कीम्स, मतलब दोनों ने 25,000 इन्वेस्ट किया डिफरेंट स्कीम में। वरुण ने सिंपल इंटरेस्ट कमाया 11% पर एनम और मधुर ने कंपाउंड इंटरेस्ट कमाया 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। चलो ठीक है, आपको बोला है कि किसने ज़्यादा इंटरेस्ट रिसीव किया होगा और कितना ज़्यादा 2 साल के बाद। ठीक है, तो आपने देखा कि वरुण का इंटरेस्ट कितना, आपने देखा वरुण का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो आपने देखा 25 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 22 × 5 = 110 और 22 × 2 = 44, तो 5500 हो जाएगा ये तो। ठीक है, तो आपने देखा ये हो गया कितना 5500, मतलब वरुण ने जो इंटरेस्ट कमाया वो कितना कमाया 5500 कमाया। उसके बाद आपने देखा मधुर ने कितना कमाया, तो आपने देखा मधुर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कमा रहा है और रेट कितना है मधुर की बारी 10%, प्रिंसिपल कितना 25,000। तो आपने देखा कि 25,000 का 10% कितना होगा 2500 हो जाएगा। और फिर आपने देखा कि दोबारा अगले साल, मतलब पहले साल तो जो इंटरेस्ट आना है वो प्रिंसिपल पे ही आना है, तो 25,000 का 10% कितना होगा 2500। अब दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, मतलब 2500 तो आएगा ही आएगा, इस 2500 पे भी 10% इंटरेस्ट आना है यानी कि 250। तो आपने देखा 2500 कितना 5000, 5000 में अगर मैं 250 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 5250। तो आपको बताना है कि किसने ज़्यादा इंटरेस्ट कमाया और कितना ज़्यादा। आपने देखा वरुण ने ज़्यादा इंटरेस्ट कमाया और कितना ज़्यादा कमाया, 5500 में से 5250 गए तो 250, तो वरुण ने 250 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट कमाया। आपको बोला है अ ट्रेन स्टार्ट्स यूनिफॉर्म रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 km/h फ्रॉम स्टेशन पी। दो स्टेशन है, एक स्टेशन पी है एक स्टेशन क्यू है। आपने मान लिया ये स्टेशन पी ये स्टेशन क्यू। ठीक है, तो आपको बोला है एक ट्रेन स्टार्ट हुई है यूनिफॉर्म स्पीड पे फ्रॉम स्टेशन पी टूवर्ड स्टेशन क्यू, मतलब एक स्टेशन, एक ट्रेन जो है वो स्टेशन पी से स्टेशन क्यू की तरफ जा रही है 60 km/h की स्पीड पे। और एट द सेम टाइम अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन क्यू टूवर्ड स्टेशन पी, मतलब दूसरी ट्रेन जो है वो सेम टाइम पे शुरू हुई है क्यू से पी की तरफ जा रही है। आपको बोला डिफरेंस इफ़ द डिस्टेंस, सॉरी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू जो स्टेशन है उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 275 km है और ट्रेन मीट एंड द ट्रेन मीट इन 2.5 hours, वॉट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन रनिंग टूवर्ड्स स्टेशन पी, मतलब जो स्टेशन पी की तरफ रन कर रही है मतलब सेकंड वाली ट्रेन, तो इसकी आपको स्पीड बोली है। तो आपको पता है पहली बात तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आपके पास आ जाएगा, चलो टाइम तो ना ही लिखो अभी, आपने देखा स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आपने देखा अब दो ऑब्जेक्ट जो है या दो चीज़ें जो हैं वो मोशन में है, तो दो चीज़ें मोशन में है तो आपको पता रिलेटिव स्पीड काउंट होगी। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, आपने देखा जो स्टेशन पी से चल रही है ट्रेन आपने उसको पी ट्रेन मान लिया, जो स्टेशन क्यू से चल रही है उसको आपने क्यू ट्रेन मान लिया। तो आपने देखा दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक जो है अगर ईस्ट में जा रही है तो दूसरे वाली ट्रेन जो है वो वेस्ट में जा रही है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो स्पीड जो है ऐड हो जाती है, या फिर जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हो स्पीड ऐड हो जाती है। दोनों केस में आपने देखा स्पीड जो है ऐड होती है, तो हमने स्पीड ऐड कर दी। डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में, आपने देखा 275 km। और टाइम कितना लगा दोनों को आपस में मिलने के लिए, 2.5 घंटे, मतलब 2.5 घंटे लगे। तो आपने देखा 2 सही 1/2 hours लगे, तो ये कितना हो गया, ये वैल्यू जो है 5/2 हो जाएगी। तो 5 जो है ये इसको कितने पे काटेगा 55 पे, तो 55 × 2 कितना हो गया 110। तो स्पीड ऑफ पी प्लस स्पीड ऑफ क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 110। तो आपको पता है जो स्टेशन पी से ट्रेन चली है उसकी स्पीड कितनी है 60 km/h, तो स्टेशन क्यू से जो स्टेशन पी की तरफ चली है उसकी स्पीड आपके पास कितनी हो जाएगी 11 में से 6 गए कितना 5, तो 110 में से 60 गया कितना हो जाएगा 50 km/h। तो आपको बताना है 2C/5D की वैल्यू, और C/D जो होता है वो क्या होता है 5A 3B, तो ये कितना हो गया 10/15, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 2/3 हो गया,
2/3 और ए बी, ए बी का रेशो कितना है 2/3, तो ये तो 4:9 हो गया, सिंपल है। अभी वाला क्वेश्चन है, आपको बोला अ रोम्बस ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर, मतलब आपको पता है पहली बात तो कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, और फिर आपने देखा कि एक एंगल जो है वो 60 डिग्री है, रोम्बस का जो एक एंगल है वो 60 डिग्री, आपने ये वाला एंगल मान लिया। आपको बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जर डायगोनल, पहली बात तो आपको एक चीज पता होगी क्या कि जो डायगोनल ड्रॉ होता है, मतलब रोम्बस जो है, जब रोम्बस में आप डायगोनल ड्रॉ करते हो तो डायगोनल जो है वो एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो आपने देखा कि जब हमने डायगोनल ड्रॉ किया तो ऊपर वाला एंगल भी 30 डिग्री हो गया, नीचे वाला एंगल भी 30 डिग्री हो गया, फिर मैंने क्या किया एक और डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो आपको पता है दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये एंगल 30, ये 90, तो ये कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। फिर आपको पता है कि जब हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करते हैं तो 30 डिग्री ट्रायंगल पे जो साइड का रेशो होता है वो क्या होता है, 30 डिग्री के साथ √3 हाइपोटेन्यूज जो है 2 हो जाता है और सामने वाली साइड 1 हो जाती है, मतलब ये 1, ये √3 और ये 2 हो जाएगी रेशो में। फिर अब आपको बताना है कि लार्जर जो डायगोनल है उसकी लेंथ बतानी है। आपको पता है कि डायगोनल भी आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ऊपर वाले की साइड नीचे वाले की साइड के इक्वल हो जाएगी और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, मतलब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए ओ जो है वो ओ बी के इक्वल हो जाएगा, सी ओ जो है वो ओ डी के इक्वल हो जाएगा। आपने देखा कि अगर ए ओ जो है एक है तो ए बी कितना हो जाएगा 2, और सी ओ अगर √3 है तो सी डी कितना हो जाएगा, मतलब पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा √3। अब आपको पता है 2 बड़ा है कि 2√3, तो आपको पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो 2 को अगर मैं 1.732 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही वैल्यू बड़ी होने वाली है 2 से, मतलब सी ओ जो साइड है वो बड़ी साइड है किससे, ए ओ से, ऐसा भी बोल सकते हैं। आप सीधा भी देख सकते थे कि √3 और 1 साइड है, तो आपको पता है √3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो आपने क्या किया कि आपने सीधा सी ओ की वैल्यू निकाल ली, तो आपने देखा कि 2 की वैल्यू अगर 28 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14√3, और ये तो लेंथ है सिर्फ सी ओ की, आपको सी डी की लेंथ बतानी है, पूरा डायगोनल बताना, तो ये होता है कितना ट्वाइस ऑफ सी ओ, तो ट्वाइस ऑफ 14√3 जो कि कितना हो जाएगा 28√3। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 की वैल्यू दी हुई है, आपको बताना x प्लस 1 बाई x, तो आप क्या करोगे, आपको पहले तो x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 से आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, अभी तक बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन, मैं आपको दोबारा करा देता हूँ। आपने देखा दोनों साइड अगर मैं 2-2 ऐड कर दूँ, तो आपने देखा राइट हैंड साइड क्या लिखा 3844, और लेफ्ट हैंड साइड जो बन गया वो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ये जो चीज़ लिखी है क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये देखा आपने 3844, 38 के नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना होता है 36, 36 जो है वो 6 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 60 से ऊपर आएगा, और लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, मतलब 2 × 2 कितना 4, मतलब 62 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 62। अब आपको x प्लस 1 बाई एक्स बताना है, तो आप प्लस 2 और प्लस 2 कर दो, तो आपने देखा ये लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ 64, 64 जो होता है 8 का स्क्वायर होता है, तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको बोला है क्या कि ए जो है थ्राइस एफिशिएंट है बी से, मतलब बी जितना काम करता है ए उसका 3 गुना काम कर देता है, मतलब सेम टाइम में बी जितना काम करता है ए उससे 3 गुना काम कर देता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ए जो है 3 गुना निपुण है उससे, 3 गुना तेज है काम करने में, ठीक है। तो आपने देखा कि ए जो है वो बी से 3 गुना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आपने देखा एफिशिएंसी का जो आपके पास रेशो आ गया वो कितना आ गया 3:1 आ गया। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए क्या कि एफिशिएंसी का जो रेशो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के रेशो के। तो आपने देखा एफिशिएंसी का रेशो अगर 3:1 आ गया तो टाइम का रेशो कितना है 1:3 आ गया, मतलब बात इतनी सी है कि आपने देखा कि ए जो है वो 3 गुना बढ़िया है काम करने में बी से, तो ए को काम करने में जितना टाइम लगेगा उससे 3 गुना टाइम लगेगा बी को काम करने में,
क्योंकि ए ए जो है वो तीन गुना बढ़िया है उससे। अगर ए तीन गुना बढ़िया है बी से, तीन गुना अच्छा काम कर लेता है, तीन गुना मतलब ये कह सकते हैं आप लोग कि तीन गुना एफिशिएंट है काम करने में, तो आप बोल सकते हो कि ए को जितना टाइम लगेगा उससे तीन गुना टाइम लगेगा बी को। तो आपने देखा कि क्वेश्चन में आपको बोला है ए टेक्स 24 डेज लेस देन बी टू कंप्लीट अ वर्क। आपने देखा रेशो के हिसाब से ए बी से कितने दिन कम ले रहा है, दो, और क्वेश्चन में कितना बोला है 24, तो दो की वैल्यू 24, एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12। तो आपने देखा कि ए जो है वो 12 दिन में काम कर लेता है, और अगर आपने बी के दिन निकालने हैं तो तीन की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू 12 तो तीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। मतलब बी जो है टोटल काम को करने में कितना टाइम लेता है, 36 दिन आपको बताना है। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करें तो कितने टाइम में काम खत्म कर देंगे। तो आपने देखा टोटल टाइम पड़ता है, टोटल वर्क निकाल लो, 12 और 36 का जो LCM है वो कितना आ जाएगा आपके पास 36। तो टोटल वर्क आपके पास कितना आ गया 36। अब आप वन डे वर्क निकाल लो, 36/12 किया 3, 36/36 किया 1। तो आपने देखा एक दिन में जो है वो ए अकेला काम करे तो तीन काम कर देगा, और यहाँ से आप देख सकते हो कि वनडे वर्क का जो रेशो है वो एफिशिएंसी के रेशो के इक्वल होता है। मतलब एक दिन में आप देख रहे हो अगर तीन काम ए कर रहा है तो बी कितना काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी का जो रेशो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के रेशो के। तो आपने देखा कि ए और बी का आपको टोटल टाइम निकालना भाई, अगर ए और बी साथ में मिलकर काम करें तो कितने टाइम में काम खत्म कर देंगे। तो आपने देखा टोटल वर्क कितना 36, एक दिन में कितना काम करते हैं, ए करता है 3, बी करता है 1, तो टोटल मिला के एक दिन में दोनों मिलकर साथ में कितना काम कर लेते हैं, 4 काम कर लेते हैं। अगर एक दिन में 4 काम कर लेते हैं तो 36 काम को करने के लिए कितने दिन चाहिए उनको, 9 दिन चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाय 15% 2018 में, 2019 में क्या हुआ कि दोबारा 10% पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई, पर पेंडेमिक के कारण 2020 में जो है पॉपुलेशन 10% डिक्रीज कर गई। आपको बताना है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 3 years, मतलब 3 साल में जो इंक्रीमेंट आया पॉपुलेशन में वो आपको बताना है। आपने क्या किया, आपने जो है 100% जो है इनिशियल पॉपुलेशन मान ली, मतलब 2018 से पहले जो पॉपुलेशन थी टाउन की वो आपने मान ली कितनी 100%, मतलब जो पॉपुलेशन थी अपने आप में जो वैल्यू थी उसकी कितनी थी 100%। तो आपने देखा पहले साल जो है 15% का इंक्रीमेंट हो गया, दूसरे साल जो है 10% का इंक्रीमेंट हो गया, तीसरे साल जो है यानी कि 2020 में 10% का डिक्रीमेंट हो गया। तो आपको नेट इंक्रीज और डिक्रीज बताना है। मैंने आपको बताया था जब भी किसी वैल्यू में, यहाँ पे मतलब पॉपुलेशन वैल्यू है, जब भी किसी वैल्यू में आप दो बार इंक्रीमेंट करते हो, एक बार एक्स परसेंट का, दूसरी बार वाई परसेंट का, तो नेट चेंज जो होता है वो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, नेट चेंज बोलते हैं इसे, ठीक है। और अगर एक बार इंक्रीमेंट और एक बार डिक्रीमेंट करो, x परसेंट का इंक्रीमेंट y परसेंट का डिक्रीमेंट किसी वैल्यू में, जैसे इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वैल्यू है, ये हो जाएगा। फिर आपने देखा अगर दोनों बार आप डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है, तो आपने देखा कि पहले तो मैं बाद वाले दो को सॉल्व कर लेता हूं। आपने देखा 2019 और 2020 है, 2019 में क्या हुआ 10% इंक्रीमेंट, 2020 में क्या हुआ 10% डिक्रीमेंट, तो एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, तो आपने देखा 10 से 10 गया, 100/100 कितना हो गया 1, मतलब 2019 और 2020 में जो चेंज आया वो -1% का आया, या फिर ये बोल सकते हैं कि 2019 और 2020 में कंबाइंड जो चेंज आया वो 1% डिक्रीमेंट का आया, मतलब 1% डिक्रीज हो गई पॉपुलेशन 2019 और 2020 में कंबाइंड। फिर आप इस 1% को 5% से सॉल्व कर लो, तो आपने देखा 15, मतलब अब क्या बात हुई, अब ये बात हुई कि पॉपुलेशन में एक बार वैल्यू 15% इंक्रीज हो गई और 1% वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो 15 - 1 15 × 1/100, तो आपने देखा 15 - 1 कितना 14, 15/100 कितना 0.15, तो ये आ जाएगा कितना 3.85, तो 3.85% इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला द वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप इज इतना, आपको एक्सटर्नल रेडियस दे दी और आपको बोला थिकनेस जो है 3 सेंटीमीटर है, आपको लेंथ ऑफ द पाइप बतानी है। देखो पहली बात तो पाइप कुछ ऐसा होगा, ये इसकी लेंथ है, ठीक है कौन से फॉर्म में आपको पता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है, ये जो पाइप है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। और आपको बोला है ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वैल्यू आपको दिया। अब पहली बात तो आप वॉल्यूम अगर पहचानो तो वॉल्यूम ना सिर्फ ये है, ये जो है इसकी वॉल्यूम है, ठीक है, क्योंकि अंदर वाला स्पेस जो है वो खाली है।
अंदर वाला स्पेस जो है, मतलब ये वाला जो स्पेस है ये खाली है, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो इस चीज़ की है सिर्फ, और इस चीज़ की वॉल्यूम आपको गिवन है कितना, इतना आपको थिकनेस बता दी कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये थिकनेस है, इसकी वैल्यू आपको दे दी, और आपको बोला एक्सटर्नल रेडियस जो है वो आपके पास कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे देखी कि अगर सिलेंडर का बेस मैं ये मान लूँ जो कि सर्कुलर है, तो ये जो है ये तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगी कितनी 12, और थिकनेस कितनी है आपके पास 3 है, तो आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक जो ये इंटरनल रेडियस है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो रेडियस है, मतलब यहाँ पे आपको दो सिलेंडर दिख रहे हैं ना, एक तो ये वाला सिलेंडर है ये छोटा जो अंदर है, ठीक है, और एक बाहर आपको सिलेंडर दिख रहा है, तो आपको बाहर वाले सिलेंडर से जो एक्सटर्नल रेडियस पे बना है उसको आपको अंदर वाले सिलेंडर से माइनस करना पड़ेगा, तभी आपके पास इस चीज़ की वॉल्यूम आएगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाई एक्सटर्नल रेडियस को आप बड़ा आर मान लो, इंटरनल रेडियस को आप छोटा आर मान लो, और एच जो है वो लेंथ ऑफ पाइप हो जाएगा, मतलब ये जो है ये सिलेंडर की हाइट है और यहाँ पे लेंथ ऑफ पाइप इसको बोला है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, तो ये वाली वॉल्यूम आपको गिवन है, मतलब वॉल्यूम जो एक्सटर्नल सिलेंडर में से अगर मैं इंटरनल सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस करूँगा तो ये वाला जो वॉल्यूम है जिसको मैंने डार्क किया हुआ है ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आपने देखा पाई की वैल्यू कितनी 22/7, उसके बाद एक्सटर्नल रेडियस कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ठीक है, इंटरनल रेडियस आपके पास कितनी आ जाएगी, आपने देखा थिकनेस जो है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 12 एक्सटर्नल रेडियस 3 की थिकनेस है, तो इंटरनल कितनी रेडियस हो जाएगी 9, तो 9 का स्क्वायर कितना 81, 3564, तो आपने देखा ये जो है 63 पे जाएगा, नहीं 63 पे नहीं जाएगा, माइनस करके 63 आएगा, ठीक है, तो 22/7 इंटू 63 इंटू एल, और ये कितना है 3564, तो ये तो है ये 9 पे गया पहले, 22 जो है वो कितने पे जाएगा, आपने देखा 22 जो है वो जाएगा आपका 162 पे, और ये 18 पे जाएगा, तो लेंथ आपके पास कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है एवरेज डेली इनकम ऑफ शावलाल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2020। अब कई लोग क्या करेंगे, फरवरी को हर मंथ समझ लेंगे, वो सेम ही मंथ है, तो उसके कई लोग दिन नहीं कैलकुलेट करते, 30 या 31 मान लेंगे। तो पहली बात तो ध्यान रखना कि फरवरी में जो टोटल डेज होते हैं वो कितने होते हैं 2829। दूसरी चीज, 2020 जो है वो लीप ईयर होगा, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। अब कोई बोलेगा कि सर मुझे पहले तो ये बताओ कि लीप ईयर होता कौन सा है, ठीक है, तो लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए, सिंपल सी बात है, ठीक है, जो भी 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो आपने देखा 2020 जो है वो लीप ईयर, लीप ईयर मतलब फरवरी के कितने दिन होंगे 29 दिन होंगे। आपको बोला है कि एवरेज इनकम फॉर द फर्स्ट 16 डेज जो है वो इतना है, लास्ट 60 डेज की जो एवरेज इनकम है वो इतनी है, आपको बताना है एवरेज इनकम ऑफ 14, 15 और 16 फरवरी। तो आपने देखा 29 दिन है, 1, 2, 3, 4 और फिर बीच में आएगा 14, 15, 16, 17, 18, 29 तक जाएगी बात, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले 16 दिन कौन से होंगे, 1 से लेके 16। अब पहले 16 दिन का आपको एवरेज दिया है, एवरेज इनकम कितनी है, आपको लास्ट के 16 दिन, अब लास्ट के 16 दिन यहाँ से यहाँ अगर आप कैलकुलेट करो, 17 से 29 अगर आप कैलकुलेट करो, तो आप देखो 13 ही दिन होते हैं, तो आपको लास्ट के 16 दिन अगर कैलकुलेट करने हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो 14 तारीख से दिन शुरू हो जाएंगे, मतलब लास्ट के जो 16 दिन है वो 14 तारीख से 29 तारीख तक के दिन होंगे जिनकी आपको एवरेज इनकम इतनी दी हुई है 500। तो आपने देखा इसमें भी 14 15 16 आ गया, मतलब पहले 16 दिन में और लास्ट के 16 दिन में भी 14 15 16 आ गया, मतलब 14 15 16 जो है वो दो बार आ गया, ठीक है। तो आपने देखा, देखो अगर आपको ये कैलकुलेटिव करना है थोड़ा तो आप एवरेज का बेसिक कंसेप्ट यूज़ करो, क्या क्या आपने देखा एवरेज इनकम पहले 16 दिन का कितना है 590, अगर पहले 16 दिन का एवरेज 590 है तो टोटल इनकम कितना हो गया 590 इंटू 16। अब इसमें जो है 14 15 16 तीनों
मतलब 14, 15, 16 फरवरी, तीनों फरवरी का इनकम है इसके अंदर। अब आपने देखा लास्ट के 16 डेज का जो एवरेज है वो कितना है, 500। अगर एवरेज 500 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 500 × 16। अब इसके अंदर भी 14, 15, 16 तीन दिन है, मतलब 14, 15, 16 जो तारीख है, 14, 15, 16 जो है वो इसके अंदर भी है, वो इसके अंदर भी है, मतलब 14, 15, 16 तारीख की जो इनकम है वो दो बार ऐड हो गई। ठीक है, मतलब हुआ क्या, एक बार तो 1 से लेके 29 सब ऐड है, मतलब 1 से लेके 29 तारीख की इनकम टोटल इनकम है, और उसके अलावा 14, 15, 16 तारीख की इनकम दो बार, एक बार तो इसी के अंदर ऐड हो गई और एक बार अलग से बच गई। तो आपने क्या किया, अब 1 से लेके 29 तारीख तक की इनकम टोटल जो है वो कैसे निकालोगे, आपको पता पूरे फरवरी की जो एवरेज इनकम है कितनी है, 560। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 560 × 29, क्योंकि टोटल जो दिन है फरवरी 2020 वो कितने, 29 दिन है। तो आपने देखा, अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है न्यूमिनेटर में, ये टोटल इनकम आई है 14th, 15th और 16th फरवरी की। और अगर आपको इसका एवरेज निकालना है, आपको बोला है 14, 15 और 16 फरवरी का एवरेज इनकम बताओ, तो डिवाइड कर देना 3 से। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो आपने देखा कि ये लिखा है कितना, 8000। ये कितना लिखा है, ये लिखा है 9440, और ये आपके पास कितना लिखा है, 560 × 29 जो है वो आपके पास हो जाएगा 16240। तो ये कितना हो गया, 9 और 8 17 17 440 में से 16240 अगर मैं घटाऊँ तो 1200 आ जाएगा, 1200 × 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 400। तो एवरेज इनकम जो है 14, 15, 16 तारीख की वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। अब अगर मैं इसको ट्रिक से करूं, ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक से करता हूं तो मैं कैसे करूंगा, देखो आपने देखा कि 14, 15 और 16 तारीख का आपको पहले टोटल इनकम निकालनी है। तो आपने क्या किया, 14, 15, 16 तीनों की इनकम आपने प्लस करके लिख दी लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि आप निकाल के रहे हो, आप निकाल रहे हो 14 + 15 + 16 तीनों दिन की इनकम निकाल रहा हूं। तो आपने देखा कि फरवरी 2020 में ही है वो 14, 15, 16 तीन दिन, ठीक है। तो आपने देखा 14 फरवरी 15 फरवरी 16 फरवरी जो है फरवरी 2020 में आएगी। तो आपने देखा कि फरवरी 2020 की एवरेज इनकम कितनी है, 560। तो अगर 560 एवरेज है तो 14, 15, 16 की कितनी होगी, 560 × 3 तो होगी होगी, ठीक है, एवरेज 560 है ना। तो हमने तीन दिन की कैलकुलेट की, तो तीन दिन की कितनी हो जाएगी, 560 × 3, ये तो होगी होगी। इसके अलावा क्या होगा, आपने देखा 560 और पूरे इनकम की, एक सेकंड, पूरे महीने की जो इनकम है वो फरवरी 2020 कितनी है, 560, और पहले 16 दिन की कितनी है, 590, और लास्ट के 16 दिन की कितनी है, 500। तो आपने देखा कि पहले 16 दिन की इनकम कितनी ज़्यादा है, तो आपने देखा 30 ज़्यादा है, मतलब फरवरी 2020 से पहले 16 दिन की जो एवरेज इनकम है वो कितनी ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। अगर 30 एवरेज ज़्यादा है तो 16 बंदों की कितनी ज़्यादा हो जाएगी, 30 × 16, ठीक है। फिर आपने देखा फरवरी 2020 की एवरेज इनकम अगर 560 है और पहले 16 दिन की एवरेज इनकम अगर 500 है, तो आपने देखा ये कितनी कम हो गई, 560 से 60 कम हो गई। तो 60 अगर एवरेज कम हुई है तो टोटल कितनी कम हुई है, 60 × 16, क्योंकि ये 16 दिन की एवरेज है, ठीक है। तो आपने देखा 560 × 3 ये कितना हो जाएगा, 1680, और आपने देखा प्लस 30 × 16 − 60 × 16 कितना हो जाएगा, −30 × 16, या फिर 480 में से 960 गए कितना होगा, −480, तो ये कितना आ गया आपका, 1200। तो 14, 15 और 16 तारीख की जो टोटल इनकम है वो आपके पास कितनी आ गई, 1200। एवरेज आपको बताना है तो बटे 3 कर दो, 400 आ जाएगा। पहले भी मैं ये बहुत बार बता चुका हूँ आपको, हम CHSL 2019 में भी ये कंसेप्ट बहुत बार कर चुके हैं, CGL 19, CGL 20 में भी बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपने देखा कि ये कितना हो गया, 155, तो ये कितना हो गया, 157/5, ठीक है। अब 7×4 = 28, 3×4 = 12, और 12 जो है 168 को कितने पे काटेगा, तो 12 जो है 168 को काट देगा 14 पे,
और उसके बाद आपने देखा कि ये कितना हो गया 66/5, और ये आपके पास हो जाएगा 75 35 38, और डिनोमिनेटर तो कॉमन ही आ जाएगा। 38 में से अगर मैं 17 घटाऊं तो ये कितना आ गया आपके पास 21/5। ठीक है, तो आपने देखा इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये लिखा है आपके पास 87/5। 87/5 में 14 अगर मैं जोड़ूं तो आपने देखा कि 14 पंजे कितना होता है 70, और ये कितना हो गया 157/5 डिवाइड बाय, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 157/5। तो 157/5 को 157/5 से डिवाइड करोगे बनिया ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और बी पे राइट एंगल है, ठीक है, और उसके बाद बोला कि डी इज अ पॉइंट ऑन एसी, एक पॉइंट है डी जो कि एसी पे है, ओहो ये सारा मिट गया, ठीक है, तो मतलब रब हो गया सारा का सारा, तो आप वीडियो पे ही निर्भर रहे। वैसे मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वीडियो में से ही जो है वो सारा सॉल्यूशन कॉपी कर देना। 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर हुआ तो मैं टाइम लगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो डी जो पॉइंट है वो एसी पे है, आपको बोला है एडी की लेंथ कितनी 12, आपको बोला है सीडी की लेंथ कितनी 16 सेंटीमीटर, आपको बोला है बीडी जो है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बीडी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल बी को, ठीक है, बीडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है जो कि एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता है कि बीडी अगर एंगल बाइसेक्टर एंगल बी का, तो आपको पता है कि ए बी बाय ए सी की जो रेशो होगा या जो फ्रैक्शन होगी वो किसके इक्वल होगा, ए डी बाय डी सी के। तो आपने देखा ए बी बाय बी सी, ए सी सॉरी ए बी बाय बी सी है, ए डी बाई डी सी, ए डी कितना 12, डी सी कितना 16, तो ये कितना आ गया 3/4। तो आपने देखा ए बी और बी सी का जो रेशियो है वो कितना है, 3:4, ठीक है। तो आपने देखा ए बी और बी सी का अगर रेशियो 3:4 है तो ए सी का रेशियो साथ में कितना हो जाएगा, आपने देखा 5 हो जाएगा, क्योंकि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। अगर ए बी जो है परपेंडिकुलर 3 है, बी सी जो है बेस 4 है, तो ए सी जो है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा रेशियो में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता लग गया, देखो हमने रेशो को जो है ना वो सर्कल से डिनोट कर दिया, मतलब 3, 4, 5 मैंने लिख के उसमें सर्कल बना दिया, तो वो जो है हमने रेशो जो है सर्कल से डिनोट कर दिया। तो आपने देखा कि एसी का जो रेशो है कितना 5, एसी की वैल्यू कितनी है, आपने देखा एसी की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी एडी प्लस डीसी, 12 और 16 कितना हो जाएगा आपके पास 28 हो जाएगा, तो 5 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 28, 5 की वैल्यू 28, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28/5। आपको बोला है पेरीमीटर बताओ ट्राइंगल एबीसी का, तो पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा, एबी मतलब तीनों साइड का जोड़ ट्राइंगल की, तो आपने देखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का रेशो कितना है 3, 4 और 5, 5, 4, 9 और 3, 12, 1 की वैल्यू आपको पता चल गई, 12 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 28 × 12/5 वो 12 96 और 9 यहाँ पे आ जाएगा आपका, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 5.6 भी बोल सकते हैं कि 28/5 कितना हो गया 5.6, और 5.6 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67.2, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है शॉपकीपर जो है पेन खरीदता है, ठीक है, 15 डजन पेन खरीदता है कितने रुपए में, इतने में। तो आपने देखा 15 डजन उसने पेन खरीदे 1350 में, ठीक है, और उसने क्या किया बेच दिए पेन 5 डजन जो है वो 495 के, मतलब खरीदे उसने 15 डजन के हिसाब से 1350 के, और बेचे उसने इस हिसाब से कि 5 डजन पेन जो है, 5 डजन पेन या 5 दर्जन पेन जो है वो 495 रुपए के जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने तो पहली बात ये देखी क्या कि अगर 5 दर्जन पेन की कॉस्ट 495 है सेल करने की, और ख़रीदने की भी आप 5 डजन की निकाल लो तो डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो आपने देखा कि 5 डजन पेन को ख़रीदने की कॉस्ट कितनी है 450, और उसी 5 डजन पेन को
बेच रहा है कितने में, 495 पे, तो प्रॉफिट कितने को हुआ? आपने देखा ये जो है आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, ये जो है आपका सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस छोटा है, मतलब प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो होगा नहीं। उसके बाद आपने देखा कि प्रॉफिट हुआ कितने का, 495 में से अगर मैं 450 घटाऊं तो कितना आएगा, 45 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट निकालते किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो आपने देखा कि ये तो 10% आ गया। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100% हमने किया तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया कितना, 10%। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो 15 की तो वैल्यू हमें पता नहीं, अगर मैं 45 वैल्यू रखूँ तो यहाँ भी बनाएगा यहाँ भी बनाएगा, 3+1=4, 4-2√2 का कभी भी 0 नहीं बनाया जा सकता, मतलब 45 डिग्री वैल्यू होगी नहीं। फिर आप क्या रखो, आप यहाँ पे 10 जो है √3 बना दे, तो 10√3 किस पे बनाता है, 60 पे, तो थीटा की वैल्यू आपने क्या करा, 60 डिग्री रख दी। तो आपने देखा कि 3 cot 60 कितना होता है, 1/√3 + √3 - 2√3, तो आपने देखा ये कितना हो जाएगा, √3 में √3 जोड़ूंगा 2√3, तो 2√3 में से 2√3 गया तो 0 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब जो वैल्यू थी बिल्कुल सही थी थीटा की, जो कि 60 डिग्री थी, ठीक है। तो आपने देखा कि डिविजिबल होना अगर 11 पे, तो सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट जो है वो 0 या फिर 11 या 22 या -11 या -22 इस पे जाना चाहिए, मतलब 11k पे जाना चाहिए, k की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, माइनस प्लस 0 कुछ भी। तो आपने देखा कि सम ऑफ ऑड डिजिट आपने किया तो 5 और k और 1 6 और 8 14 प्लस k हो गया, सम ऑफ इवन डिजिट किया 4 और 3 7 9, 9 प्लस m हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। मतलब अगर आपने k जो है वो 0 रखा तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, अगर k आप 1 लेते तो इसकी वैल्यू 11 हो जाती, दोनों के उस पे चेक कर लेते हैं वैल्यू पे, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे k माइनस m जो है +5=0, तो k माइनस m की वैल्यू कितनी हो गई, -5, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि m माइनस k की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। आपको बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू बतानी है k प्लस m की, तो आपने एक चीज़ देखी कि m और k जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है, मतलब यहाँ पे भी एक सिंगल डिजिट आएगा, यहाँ पे भी एक सिंगल डिजिट आएगा, तो ऐसा कब हो सकता है कि यहाँ पे 5 आ जाए और मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, मतलब अगर मैं m को 9 मान लूँ तो k कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, और 9-4 कितना, 5 हो जाएगा, मतलब m और k की वैल्यू अगर 9 और 4 हो तो m-k कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और आपको बताना क्या है, m प्लस k, तो k प्लस m जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, (9+4=13), ठीक है। अब 13 ऑप्शन में है। एक और चीज़ चेक कर लो, आपने यहाँ पे देखा कि अगर मैं यहाँ 5 रखता, 5+k-m, यहाँ 11, तो आपने देखा k माइनस m की वैल्यू कितनी हो गई, 11-5 कितना, 6। तो आपने यहाँ पे देखा कि ऐसा मैक्सिमम वैल्यू कब पॉसिबल है, मतलब यहाँ तो k 9 हो जाए और m कितना हो जाए, 3 हो जाए, तब जाके क्या होगा कि 9-3 कितना, 6 हो जाएगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू है k और m की। फिर आपने देखा कि 9 और 3 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 12 ही आता है, तो मैक्सिमम वैल्यू दो पॉसिबल है, एक 13 और एक 12, और इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है आपका, 13। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 13 टिक कर दिया, 12 अगर आप यहाँ पे 11 लिखते ना और k माइनस m आपका 6 आ जाता, और फिर आप 9 और 3 जो है k और m की वैल्यू मान लेते और 9 और 3 को 12 जोड़ के देख लेते, तो आप मे बी इसको टिक कर देते और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। आपको चेक ये एक बार 0 वैल्यू पे भी करना है, एक बार 11 वैल्यू पे भी करना है, हो सके तो -11 पे भी करके देख लेना, ठीक है ना। अभी वाला क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ नहीं, दोनों साइड आपको स्क्वायर करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो आपने स्क्वायर किया तो आपने देखा, और 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, ठीक है। तो x² + 4/x² क्या हो जाएगा आपका, 4 इधर चला जाएगा, तो 16+4 कितना, 20। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि PA और PB दो टेंजेंट है, सेंटर जो है वो OP है, ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट है P। आपको बोला है कि एंगल APB की जो वैल्यू है कितना है, 42 डिग्री। आपको बताना है एंगल AOB की। आपको पता है कि जब भी दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो आमने सामने वालों का जोड़ कितना होता है, 180 के इक्वल, तो 138 डिग्री जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। k
क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो है, पी ए ओ बी जो है क्वाड्रिलेटरल है, इनमें दो एंगल तो 90-90 के हो गए, और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है 360 होता है, दो 90-90 के मतलब 180, 360 में से 180 गया तो कितना रह गया 180, तो इन दोनों का जोड़ कितना रह जाएगा आपका 180। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन वोकेशनल स्ट्रीम इन स्कूल ए सी और ई। वोकेशनल स्ट्रीम कौन सा, ये ए सी और ई, तो हमने देखा 50 और 50 100 और 35 कितना 135, इसका रेशियो बताना है, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से बताना है बी डी और ई की, तो बी की ह्यूमैनिटी जो है वो ये है, तो आपने देखा 45 और 35 80 और 82 कितना होगा 162 हो जाएगा, गड़बड़ हुई क्या, ह्यूमैनिटीज सही है 182 हो जाएगा, और हाँ सही है, ठीक है 135 और 182 आपका हो जाएगा 162 सॉरी। तो आपने देखा ये 27 पे गया 5 पे और ये गया 6 पे, तो 5:6 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला इन विच मंथ वॉज द नंबर ऑफ कंप्यूटर सॉल्व्ड अबव 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सॉल्व्ड इन 5 months। देखो टोटल जो कंप्यूटर सॉल्व्ड हुए हैं वो डिग्री के हिसाब से कितना हुआ है, आपको पता है डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल डिग्री कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो आपको बताना है कि जो टोटल कंप्यूटर सॉल्व्ड का 25% से अबव है वो कौन से मंथ में है। तो आपने देखा टोटल कंप्यूटर सॉल्व्ड हुए हैं डिग्री के हिसाब से कितने हुए हैं 360, क्योंकि डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल वैल्यू क्या होती है 360 डिग्री होती है, तो आपने देखा 360 डिग्री का जो 25% माने 1/4, तो वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से ऊपर बताना है कि कौन सा मंथ का डिग्री है जिसमें आपका कंप्यूटर बिके। तो हमने देखा 90 डिग्री से वैल्यू कौन सी ज़्यादा है, एक ही वैल्यू ज़्यादा है, तो ये वैल्यू है किसकी, मार्च की, मतलब मार्च महीने में जो है वो 25% से, मतलब टोटल कंप्यूटर के 25% से ज़्यादा कंप्यूटर बिके मार्च मंथ में, ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन आपको बोला व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑफ डी इन मैथ्स और फिजिक्स, 50 और 40 कितना 90, और बी के आपको मार्क्स बताने हैं इंग्लिश और फिजिक्स के, तो 80 और 60 कितना, 80 और 60 आपका हो जाएगा 140, तो 9:14 ही तो आसानी है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है द रेशियो ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड टू द कैंडिडेट एनरोल्ड। अब कैंडिडेट एनरोल्ड जो हुए हैं वो ए फिगर 1 में हुए हैं, पास जो हुए हैं वो फिगर 2 में हुए हैं, तो इंस्टीट्यूट एस का आपको बताना है, एस कौन सा है ये वाला, तो ये जो है 18%, तो जो पास हुए स्टूडेंट वो कितने हुए 3300 स्टूडेंट जो हैं वो टोटल पास हुए हैं, जिसमें से 24% जो है वो एस इंस्टीट्यूट के हैं, और एनरोल कितने हुए, एनरोल हुए टोटल 5500, जिसमें से एस इंस्टीट्यूट के हैं जो है वो 18% एनरोल हुए। तो आपने देखा 20 से 20 और 20, ये गया 5 पे और ये गया 3 पे और ये गया 6 पे और ये गया 4 पे, तो 4:5 जो है आपका करेक्ट आंसर है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट शिफ्ट शुरू हो गई, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा नहीं कराऊंगा, जस्ट मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपने देखा राइट एंगल किस पे है, ए पे, तो आपने मान लिया ये बी और ये सी, और बी डी और सी ई जो है वो दो मीडियन है, तो आपको पता है 4 सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियंस इनटू 4 जो है 5 टाइम ऑफ हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज कितना है बी सी, या फिर दो फॉर्मूला होते हैं पर हमारे लिए तो ऊपरला फॉर्मूला ही जो है वो काम का है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर वाला फॉर्मूला ही हमारे लिए काम का है, क्योंकि बी डी की वैल्यू हमें निकालनी है, सी ई की वैल्यू हमें गिवन है, हमें बी सी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो बी डी की वैल्यू निकाल लेंगे बड़े आराम से, कर लेना। क्वेश्चन में बोला है ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 days, तो आपने देखा ए जो है किसी काम को 30 दिन में कर लेगा, ठीक है, उसने काम करना शुरू किया, 4 दिन के बाद क्या हुआ, बी ने उसको ज्वाइन कर लिया और पूरा काम जो है वो खत्म हो गया कितने दिन में, 10 दिन में फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी
कि ए जो है काम को कंप्लीट कर लेता 30 दिन में, 4 दिन में उसने, मतलब 4 दिन उसने काम किया, उसके बाद बी आया, तो आपने देखा 4 दिन में उसने कितना काम कर लिया। अगर पूरे काम को वो 30 दिन में कर लेता है तो 4 दिन में उसने कितना काम कर दिया, 2/15 काम कर दिया। अब टोटल काम फ्रैक्शन के हिसाब से टोटल वैल्यू कितनी होती है, 1 1 में से 2/15 गया तो कितना आ गया, 13/15, मतलब 13/15 अभी काम बचा हुआ है। ठीक है, 4 दिन के बाद 13/15 काम बचा हुआ है। अब जो है ए के साथ बी भी आ गया और काम जो है पूरा काम 10 दिन में खत्म हो गया। आपने देखा पूरा काम 10 दिन में खत्म हो गया, जिसमें से पहले 4 दिन तो ए अकेले ने काम किया, तो बी के आने के बाद जो ए और बी ने साथ में मिलकर काम किया तो कितने दिन काम किया, 6। तो 13/5 काम जो है वो 6 दिन में खत्म किया, किसने, ए और बी ने साथ में मिलके। तो आपने देखा ए और बी अगर 13/5 काम 6 दिन में करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 90/13 दिन में। तो आपने देखा ए और बी अगर साथ में मिलके काम करें तो 90/13 दिन में पूरे काम को कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास टोटल टाइम आ गया ए का और ए प्लस बी का। तो आपने देखा ए और ए प्लस बी का टोटल टाइम आ गया, तो टोटल वर्क आपने निकाल लिया। टोटल वर्क ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, 30 और 90 का एलसीएम कितना, 90, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, डिनोमिनेटर का। तो आपने देखा न्यूमिनेटर का आपने एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर का एचसीएफ जो है 1 आ जाएगा। तो आपने देखा आप वन डे वर्क निकाल लो ए और बी का, ए और ए प्लस बी का। तो आपने देखा 90/30 किया तो कितना आ गया, 3। 90/90/13 किया तो कितना आ गया आपके पास, 13। मतलब एक दिन का काम ए का जो है वो कितना है, 13। मतलब एक दिन में ए जो है 3 काम कर देता है, सॉरी 13 नहीं 3, एक दिन में ए जो है वो 3 काम कर देता है। और एक दिन में ए और बी अगर साथ में मिलके काम करें तो कितना काम कर देंगे, 13। ए और बी अगर साथ में मिलके एक दिन में काम करें तो 13 कर देते हैं, जिसमें से एक दिन में काम जो है ए कितना करता है, 3, तो बी कितना काम करता होगा, 10, तभी जाके 13 होता होगा। ठीक है, तो आपके पास बी का वन डे वर्क आ गया। आपको निकालना है कि बी जो है अलोन, बी अकेला 1/3 ऑफ द सेम वर्क, मतलब 90 का जो टोटल वर्क है उसका 1/3 अगर बी करे तो कितने टाइम में कर लेगा। आपने देखा 90 का 1/3 कितना हो गया, 30। मतलब बी को जो काम करना है अकेले वो 30 काम करना है, और एक दिन में बी जो है वो कितना काम कर देता है, 10। तो 30 काम को करने में वो कितने दिन लेगा, 3 दिन लेगा सिर्फ। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। तो आपने देखा ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 20। बी सी की वैल्यू आपको 29 दे दी। आपको पता है बी सी किस, 29 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब आपको साइन बी माइनस कॉट सी करना है, साइन बी माइनस कॉट सी। ठीक है, तो आपको पता है साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज तो क्लियर है इस वीडियो में कितना है, मतलब इस क्वेश्चन में जो हाइपोटेन्यूज है वो तो क्लियर है कितना है, 29 है। अब आपने देखा एंगल बी पे आपको साइन बताना है, तो एंगल बी ये है, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो आपने देखा कि साइन बी जो होगा वो 21/29 हो जाएगा। अब कॉट सी, ठीक है, सी एंगल, सी के साथ जो साइड है वो बेस होगी, सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी। तो आपने देखा कि कॉट सी क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसको आपको सॉल्व करना है, नीचे आपका 580 आ जाएगा और ऊपर कितना, ये तो आ गया 420, और 420 में से अगर मैं 29 × 21 कितना होगा, ये आपके पास हो जाएगा 580, और 580 में 609 हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो हाँ 609 हो जाएगा। तो 420 में से 609 गए तो ये कितना हो गया, 189 जो है माइनस में है 580। ठीक है, तो आपने देखा 2^24 - 1 जो है डिवाइड किया गया 7 से, आपको रिमाइंडर बता। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, क्या कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो आपको पता है एक चीज़ कि अगर आपको 7 से डिवाइड करना है तो कुछ 8 के आसपास देख लो। मतलब मैं 2^24 अगर 24 है तो अगर मैं यहाँ पे 8^ बना पाऊँ तो फिर मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 7+1, या फिर मैं 6 बना लूँ तो 7-1 लिख सकता हूँ। 2 से कभी मैं 6 नहीं बना पाऊँगा, मैं 8 ज़रूर बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 4^ क्या हो जाएगी, 12, और 8^ आपके पास क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि और 2 की जगह कभी मैं 6 बना नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो मैं 4 बना सकता हूँ, 8 बना सकता हूँ, 16 बना सकता हूँ। तो आपने देखा 8^6 - 1, अब 8 को आप क्या लिख सकते हो, 7+1,
बाय छः, तो आपने देखा ये माइनस वन बाय सात और ये भी बाय वन बाय सात। आपको पता है x प्लस वन बाय एन, अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूँ तो रिमाइंडर जो आता है वो कितना आता है, वन आता है। तो इसी तरह सेवन प्लस वन की पावर सिक्स है, बाय सेवन करोगे तो इतनी चीज़ से जो रिमाइंडर आना है आपका वो कितना आना है, वन। इतनी चीज़ से माइनस वन आया हुआ है, ठीक है, तो वन माइनस वन आपके पास कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो कैसे करें, देखो आप थीटा पुट करके देख लो, ठीक है। अगर आप थीटा को पुट करो 30 डिग्री, 30 डिग्री का देखो फायदा है, 60 डिग्री करोगे यहाँ पे रूट थ्री बन जाएगा और रूट थ्री फिर सॉल्व नहीं होगा आगे। आप 30 पुट करो और 45 भी पुट करने का कोई फायदा नहीं, देखो तीन ही वैल्यू पुट कर सकते हैं 30, 60, 45, क्योंकि 0 से 90 के बीच में थीटा, 0 और 90 नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो आपने देखो 45 रखोगे रूट टू को कैसे सॉल्व करोगे, फिर मुश्किल हो जाएगा आगे, तो आप 30 रखो, इसमें जो है रूट थ्री बाई टू वैल्यू आएगी, उसका स्क्वायर ही हो जाना है। और यहाँ पे साइन 30 वन बाई टू होता है, तो ये कितना हो गया 3/2 लेफ्ट राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 3/4, तो ये कितना है 3/2 = 3/2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब थीटा की वैल्यू जो है 30 डिग्री है। तो टेन 60, टेन 2θ है ना, 2θ कितना हो जाएगा 30 × 260, तो टेन 60 कितना होता है रूट थ्री, कॉसेक 90, थीटा अगर 30 है तो 3θ कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो कॉसेक 90 वन होता है, और फिर सेक 2θ मतलब सेक 60, तो कॉस 60 जो है वो कितना होता है 2 आ जाएगा सेक 60, क्योंकि कॉस 60 जो होता है वो 1/2 होता है। अभी वाला क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था कि जब भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो तो साइड का जो प्रोपोर्शन होता है, जैसे ABC, तो BC हमें गिवन है, QR हमें निकालना है, तो BC और QR का रेशो, मतलब जब भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगी तो उसकी जो साइड्स का रेशो होगा वो पैरामीटर के रेशो के इक्वल होगा। तो आपने देखा BC की वैल्यू कितनी 19.5, QR 156, 46.8, तो आपने देखा ये इसको 3 पे काटेगा तो 0.3 तो यहाँ से आ गया, और QR 19.5 को अगर मैं 0.3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 19 × 57 = 58, तो 5.85 आ जाएगा, ये आपकी QR की वैल्यू होगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको बोला है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, मतलब एक लाइट हाउस है उसके टॉप पे से ऑब्जर्व किया क्या के, जो कि सी लेवल, मतलब ये जो है ये सी लेवल है, तो इससे जो है लाइट हाउस जो है वो 42 मीटर ऊपर है, ठीक है। आपको बोला गया द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग टूवर्ड्स इट, मतलब जो लाइट हाउस है उसकी तरफ जो है शिप आ रही है, ठीक है, सेलिंग टूवर्ड्स मतलब मूव कर रही है, आ रही है लाइट हाउस की तरफ, क्या शिप सेलिंग का मतलब ये होता है कि शिप जो है ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है, और उसकी ओर जाने वाली, आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि उसकी ओर जाने वाला जहाज लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेलिंग का मतलब क्या है कि मूव कर रही है, मोशन में है, और लाइट हाउस की तरफ आ रही है शिप, ठीक है, मतलब ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। और आपको बोला गया कि एंगल जो चेंज कर दिया, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो जो चेंज हो गया, आपको पता एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, कि मैं लाइट हाउस के जो सामने है एक लाइन बना दूँ, तो ऊपर मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दूँ जो सी लेवल या जो ग्राउंड हो उससे पैरेलल हो। तो आपने देखा कि पहले जो था एंगल वो 30 डिग्री था, अब इससे बड़ा एंगल हो गया, मतलब 45 डिग्री का एंगल हो गया। तो शिप जो है जब लाइट हाउस की तरफ आ रही है तो एंगल को उसने चेंज होते हुए ऑब्जर्व किया कि एंगल जो है वो 30 से 45 डिग्री हो गया। तो आपने देखा ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा, मतलब ये एंगल 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ये 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे आपस में, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। तो आपने देखा, या कोई बोले कि सर 30 को कौन सा मानूँ, 45 को कौन सा मानूँ, आपने देखा कि इसका मुंह ना 30 वाले से ज़्यादा खुला होगा, ठीक है, इस वाले एंगल का मुँह 30 डिग्री से ज़्यादा खुला होगा, तो ये एंगल जो है बड़ा हो जाएगा। या फिर आप ऐसा देख सकते हैं क्या कि शिप जो है लाइट हाउस की तरफ मूव कर रही है, मतलब ऐसे आ रही है, मतलब पहले यहाँ थी
फिर यहाँ आ रही है, तो आपने देखा ये वाला एंगल जो है पहले वाला एंगल था, ये बाद वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं। तो आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी है, 42 मीटर, ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री। अब आपको पता है 45 डिग्री का ट्रायंगल क्या होता है, अगर मैं हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कर रहा हूँ तो ये 90 डिग्री, तो आपने देखा ये साइड भी वन हो जाएगी, ये भी वन हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, और आपको पता है 30 डिग्री में क्या होता है कि 30 डिग्री में जो बेस होता है वो √3 हो जाता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर 1 ही रहता है और हाइपोटेन्यूज 2 हो जाता है। तो आपने देखा कि आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप, मतलब पहले शिप यहाँ थी, अब शिप यहाँ पहुँच गई, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बताना है जो कि शिप ने ट्रेवल किया। ठीक है, तो आपने देखा 1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 42, √3 - 1 की आपको वैल्यू बतानी है, क्योंकि √3 की वैल्यू जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है और 1 की वैल्यू जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो √3 - 1 जो है वो वैल्यू हो जाएगी। इतना आसान क्वेश्चन कर देंगे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग। ठीक है, तो आप ऐसा मत करना कि इन ट्राइंगल दिस दिस एंड दिस साइन थीटा इक्वल टू दिस और कॉस थीटा, फिर ये 9th-10th वाले अगर आप स्टेप इसमें फॉलो करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको ट्रिक बता दी कि इस ट्रिक से ये क्वेश्चन 10 सेकेंड के भी नहीं है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए। 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन, पहले भी बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ कि 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन, तो 1 वेरिएबल को आप 0 पुट करता हूँ, क्योंकि अगर उसने 3 वेरिएबल हमसे निकलवाने थे तो हमें 3 इक्वेशन देता, उसकी गलती है कि उसने हमें इक्वेशन नहीं दी 3। अब नहीं 3 इक्वेशन दी, 2 इक्वेशन दी है, तो हम क्या करेंगे, 2 ही वेरिएबल बताएंगे, 1 वेरिएबल को आप 0 मान लो, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 7, a³ + b³ कितना रह जाएगा आपका 301, क्योंकि c³ भी 0 हो जाएगा और c यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ये भी 0 हो जाएगा। तो आपने देखा a³ + b³ क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर - 3ab, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 301, तो आपने देखा 28 और 21 43, तो 4943 को माइनस करूँ अगर मैं तो ab की वैल्यू जो है 6/3 कितना 2 आ जाएगी। ठीक है, यही आपको बताना था, क्योंकि bc भी 0 हो जाएगा, ca भी 0 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला बाय सेलिंग 3 डजन ऑरेंजेस फॉर रुपीज इतना ट्रेडर लूजेस 25%। तो पहले तो आप लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लें। ठीक है, तो आपने देखा कि 3 डजन ऑरेंजेस को 405 रुपये में बेचने में जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 25% का हुआ। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस 100 × 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो आपने देखा 405 और यहाँ पे कितना आएगा 100, और 100 - 25 कितना होगा, 75 हो जाएगा आपके पास। लॉस की वैल्यू कितनी है 25, तो आपने देखा ये 4 आ गया, 3 आ गया, 3 जो है इसको 135 पे काटेगा 270 540, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना आ गया आपके पास 540 आ गया। अब ये 3 डजन ऑरेंजेस का, यानी कि 36 ऑरेंजेस का, 3 डजन ऑरेंजेस का यानी कि 36 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस है 540। तो एक ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास कितना हो जाएगा, ऑरेंज है वो कितना हो जाएगा, 540 / 36, ये कितना हो गया 30/2, तो 15, मतलब एक ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको कितने का पड़ा, 15 का। आपको पूछा है कि कितने ऑरेंजेस वो बेचे 288 रुपये में ताकि उसको 20% प्रॉफिट हो। एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना, 15, प्रॉफिट जो है कमाना है 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा एक ऑरेंज का। तो आपने देखा एक ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। तो आपने देखा ये 6 पे गया, ये 5 पे गया, 5 × 3 = 15, तो आपने देखा कि 3 × 6 कितना हो जाएगा 18, मतलब उसको 18 रुपये पे एक ऑरेंज बेचना पड़ेगा तब जाके उसको 20% प्रॉफिट होने वाला है। तो आपने देखा कि 288 रुपये टोटल है, एक ऑरेंज जो है वो 18 रुपये का है, तो 288 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 18 से तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 16। तो मतलब मुझे 16 ऑरेंजेस जो हैं वो बेचने पड़ेंगे तब जाके वो 288 रुपये के बिकेंगे, क्योंकि एक ऑरेंज जो है वो 18 रुपये का है,
टोटल मुझे 288 रुपए के बेचने हैं, तो 288 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूंगा, मतलब एक ऑरेंज की कॉस्ट से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस आ जाएंगे। आपको बोला है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ट्रायंगुलर पार्क विद साइड्स 60 मीटर, 112 मीटर, 164 मीटर एट द रेट ऑफ रुपीज 10.5 पर मीटर स्क्वायर। देखो आपने देखा तीन साइड है, 60 मीटर, 112 मीटर, 164 मीटर, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले तो ट्रिपलेट फाइंड आउट करने की कोशिश की, आपने देखा कि ये ना चार पे जा सकते हैं, और चार पे अगर जाएगा तो ये 15 आ जाएगा, यहाँ से 56 आ जाएगा, और यहाँ से अगर मैं वैल्यू देखूँ तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 41, ठीक है। तो आपने देखा कि 15, 56 और 41 का तो कोई ट्रिपलेट नहीं होता, ठीक है। 15, 56 आगे फर्दर ये कट भी नहीं रहे, तो 15, 56, 41 का कोई ट्रिपलेट नहीं होता, तो ये ट्रिपलेट से सॉल्व नहीं होगा, इसमें हिरॉन्स फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पहले सेमी पैरामीटर निकालो, तो 60 + 112 = 172, और 172 में मैं 164 जोड़ूंगा तो आप देखोगे कि वैल्यू कितनी आने वाली है आपके पास, बटे दो तो 168 आ जाएगा आपके पास सेमी पैरामीटर। एरिया निकाल लो, एरिया क्या होता है, सेमी पैरामीटर ठीक है, ये दो फॉर्मूला यूज किए, और 168 में से 60 गया तो 108 बचा, और 168 में से अगर मैं 112 घटाऊं तो मेरे पास 56 आएगा, और 164 अगर मैं घटाऊं तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 4। तो अब देखा आपने ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, ये 8 × 21, तो 8 × 7 × 3 लिखा है, ये कितना लिखा है, ये लिखा है 36 दिया, ये कितना लिखा है, ये लिखा है 56 है, तो 7, 8 जा, और आगे बचा कितना आपके पास, 4, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करने का ही फायदा है, आप इसको स्प्लिट करके अंडर रूट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि 4 और 36 को पहले तो बाहर निकाल लेंगे कितना आया, 6, ठीक है। 2 × 3 है तो बाहर कितना आ जाएगा, 1 × 3, अब ये चीज़ है तो कैंसिल होगी यहाँ तक। 2 × 8 है बाहर निकाल दो, 2 × 7 है बाहर निकाल दो, 1 × 4 है वो भी बाहर निकाल दो, कितना 2, तो 6 × 3 × 8 × 7 × 2, तो 7 × 2 = 14, और 6 × 3 = 18, 18 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 8 से तो ये कितना हो जाएगा, 144 को 14 से करना है तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 216 मीटर स्क्वायर। अब मैंने एरिया ही क्यों निकाला, आपको बोला कि लेवलिंग करनी है ट्रायंगुलर पार्क की, आपको ये चीज़ पता है कि ट्रायंगुलर पार्क की लेवलिंग करनी है, मतलब ये जो एरिया है ना इसके अंदर जो ज़मीन है या जो पार्क की लैंड है ऐसा बोल सकते हैं, उसको लेवल करना है। पावर मतलब पार्क का लैंड अगर आपको लेवल करना है तो आपको जो है पार्क का एरिया पता होना चाहिए कि एरिया कितना है, मतलब इस सारे की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी वैल्यू जो है लेवल होनी है, ठीक है। मतलब ये सारा एरिया जो है वो लेवल होना है। एक चीज़ ये कि कई लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते कि यार मुझे पैरीमीटर निकालना, मुझे एरिया निकालना, क्योंकि वो ये लैंग्वेज नहीं पढ़ पाते कि उन्हें ना लेवलिंग करनी है ट्रायंगुलर पार्क की, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको पैरामीटर निकालना होता है या आपको एरिया निकालना होता है। देखो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ना मीटर स्क्वायर है, अगर यहाँ पे खाली मीटर होता ना, मतलब आपने पैरीमीटर निकालना था, क्योंकि पैरीमीटर की यूनिट होती है मीटर। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, ये होती है एरिया की यूनिट, मतलब आपको यहाँ पे एरिया निकालना है, ठीक है। एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो कितनी पड़ रही है, 10.5 रुपये। आपको पता है एरिया कितना है, 2016 मीटर स्क्वायर, तो इसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी, 10.5 रुपये इंटू 2016, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि 21,168 रुपये जो है वो लेवलिंग की कॉस्ट आने वाली है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पे, पी पे। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो आपने देखा कि पी डी की लेंथ कितने गिवन है आपको, 6.4, और सी डी की लेंथ आपको गिवन है, ठीक है। सी डी आपको गिवन है कितनी, 11.6,
पीडी आपको गिवन है कितनी 6.4, तो आपने देखा कि पीसी आपके पास कितनी हो गई 18 हो जाएगी। तो ये जो है पीडी आ गई, ये पीसी आ गई, और पीबी की भी लेंथ आपको पता है, पीए की आपको निकालनी है, पीबी की कितनी है 7.2। तो सॉल्व कर लो भाई, तो आपने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया पहले तो, ठीक है, तो ये गया 4 पे, ये गया 16 पे, तो पीए यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपकी कितनी आ गई 16, और आपको पता है पीबी की जो लेंथ है वो कितनी है 7.2, आपको बतानी है एबी की लेंथ, तो एबी की लेंथ जो होगी वो पीए की लेंथ में से अगर आप पीबी की लेंथ घटा देंगे तो एबी की लेंथ आ जाएगी। अब ये कितना आ गया आपके पास 8.8। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो यूनिक लग रहा है थोड़ा देखने में, पर पुराना क्वेश्चन है। आपने देखा कि सबसे पहले जब भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम एक्स प्लस वन बाई एक्स फॉर्म बनाते हैं, जो कि सबसे आसान है इस क्वेश्चन में बनाना। आप क्या करो, जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसके साथ में जो भी चीज़ है, एक्स है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है, जो भी है ना, तो उसको आप पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो, मतलब पूरी इक्वेशन को आप उससे डिवाइड कर दो। तो आपने देखा एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो आपने देखा कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 4 माइनस टू एक्स स्क्वायर बन रहा है ना, तो आपको एक्स की पावर 4 बनानी है। तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आपने देखा कितना हो जाएगा, चार माइनस दो कितना 2, तो आपने देखा एक्स की पावर 4 ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और कोई तरीका इसी से ही कर लेना हाल फिलहाल, नहीं तो एक और तरीका बताता हूँ। चलो, आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स की वैल्यू जो है वो 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 2x हो जाएगा, और x अगर डिवाइड कर दूँ तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 2। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 2 हो, मतलब x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। 1 प्लस वन बाई वन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते थे कि ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा है इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। 1 यहाँ पे पुट करो तब भी आपका माइनस 1 आता, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा सबसे बड़ा नंबर ये, मतलब आपको सबसे बड़ा नंबर भी क्या देखना है, आपको सिर्फ ना x प्लस वन बाई एक्स या x की पावर कुछ प्लस वन बाई एक्स की पावर कुछ, मतलब आपको ना ये फॉर्म बनानी है हर बार इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। अब वो आप देखो आपको कैसे बनानी है। आपने देखा अगर मैं पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूँ तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर माइनस थ्री रूट टू था तो इधर प्लस थ्री रूट टू हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बताना है। देखो ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर ए है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए का क्यूब, 3 का क्यूब कितना 27, 2 का क्यूब कितना 2 रूट 2, तो ये कितना हो गया 54 रूट 2। 54 रूट 2 में से अगर मैं माइनस 3 ए होगा ना, ठीक है, ए क्यूब माइनस 3 है, तो 3 इंटू 3 रूट 2 कितना हो जाएगा 9 रूट 2, तो 45 रूट 2 आपका आंसर। आपको बोला इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 10% पर एनम इज इतना, आपको सम बताना है। देखो आपको पता है कि जब भी आपको CI और SI का डिफरेंस दे और आपको प्रिंसिपल पूछे और आपको रेट भी गिवन है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 साल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि CI माइनस SI प्रिंसिपल आर बाई 100 का स्क्वायर। और अगर 3 साल के लिए आपको फॉर्मूला पता करना है तो इतना पार्ट तो आपको लिखना ही है, साथ में आप मल्टीप्लाई कर देना 3 + r/100 से, ठीक है। तो एक तरीका तो यह है कि आप इसको फॉर्मूला में डाल के कर सकते हैं। आपने देखा CI और SI का डिफरेंस कितना, आपने देखा 279 प्रिंसिपल कितना
दस, दस बाय सौ कितना हो जाएगा, एक बटे दस, और यहाँ पे कितना, तीन प्लस दस बाय दस, दस बाय सौ सॉरी, तो ये कितना हो गया, एक बाय दस, एक बाय दस प्लस तीन कितना हो जाएगा, इकतीस बाय दस, तो एक बटे सौ इकतीस बाय दस, यहाँ पे 279, और ये कितने पे गया, नौ पे, तो नौ इंटू हज़ार कितना हो जाएगा, 9000 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल जो है 9000 हो जाएगा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, अपना प्रिंसिपल को लेट कर लो। आपने प्रिंसिपल को क्या किया, हज़ार लेट कर लिया। ठीक है, आपने रेट दिखा कितना, 10%। ठीक है, तो आपको पता है पहले साल का, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो पहले साल क्या ब्याज आएगा, प्रिंसिपल भी जो ब्याज है, तो प्रिंसिपल है हज़ार, हज़ार का 10% कितना हो जाएगा, 100। तो पहले साल का ब्याज कितना, 100। दूसरे साल 100 तो ब्याज होगा होगा, ब्याज पे ब्याज होगा, तो 100 पे 10% कितना, 10 आ जाएगा। तीसरे साल प्रिंसिपल पे ब्याज, और ये जो 100 और 100 कितना हो गया, 200, 200 का 10% कितना होगा, 20, या फिर 10 का 2 गुना लिख दो सीधा सीधा, और 10 का 10% कितना आएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर अब एक चीज़ देखनी है, क्या आपने देखा, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो ब्याज कितना आएगा, प्रिंसिपल पे कॉमन ही ब्याज आना है हर साल, कितना, 100 100 100, तो ब्याज कितना हो गया, 300। और तो आपने देखा ब्याज कितना हो गया, 300, और यहाँ पे ब्याज कितना हो गया, 331, 300 प्लस 30 प्लस 1, 331। तो आपने देखा हमारे हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आया वो कितना आया, 31। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 279, एक की वैल्यू 9 हो गई। आपने प्रिंसिपल माना क्या था, हज़ार, हज़ार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू अगर 9 है, हज़ार की वैल्यू 9000 हो जाएगी। एक तरीका ये भी है, बहुत अच्छा तरीका लगता है मुझे, ये आप खुद से करना, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक आप कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है, अभी जो मैं क्वेश्चन करा चुका आपको 14, 15 और 16 फेब का ना, उसी में से ही है ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, आपने देखा 19 नंबर का आपको एवरेज दे दिया, पहले 7 नंबर, ठीक है, आपने देखा 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 19 नंबर। ठीक है, तो पहले क्या किया, पहले आपको 7 नंबर का एवरेज दे दिया, पहले 7 नंबर का एवरेज दे दिया, फिर आपको बोला गया क्या कि लास्ट के 13 नंबर का जो एवरेज है वो इतना है। 8 से अगर मैं नंबर शुरू करूं 19 तक तो 12 नंबर बनते हैं, तो आपने देखा मुझे नंबर दोबारा 7 से ही शुरू करने पड़ेंगे, तो 7 दो बार आ गया। ठीक है, 7 जो है दो बार आ गया, तो बेसिक से जैसे मैंने कराया था वैसे आप सॉल्व करना हो खुद से कर लेना, पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, देखो इसकी कैसे होगा। आपने देखा कि ये जो 19 नंबर है इसी के अंदर सातवां नंबर है, ठीक है, ये जो 19 नंबर है इसी के अंदर सातवां नंबर है, तो आपने तो पहले सेवन्थ नंबर की वैल्यू निकालनी है कि सेवन्थ नंबर है कौन सा, क्योंकि आपको बोला है कि अगर सातवें नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए जो कि दो बार आया है, तो एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर आपको बताना है। देखो सातवां नंबर निकालना बड़ा आसान है, आपने देखा 19 नंबर की है, 19 नंबर के अंदर ही है सातवां नंबर, तो 19 नंबर का एवरेज कितना, 48, मतलब सातवां नंबर जो होगा वो 48 तो होगा ही होगा। अगर यहाँ पे कोई दो नंबर का जोड़ होता तो मैं दो से मल्टीप्लाई करता, तीन नंबर का जोड़ होता तीन से, ठीक है, मतलब अगर मैं सातवां और आठवां नंबर देख रहा होता ना उन दोनों का जोड़, तो यहाँ पे मैं दो से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, फिर आपने देखा कि 19 नंबर का जो है एवरेज 48 है, पहले 7 नंबर का जो एवरेज है वो 50.6 है, और लास्ट के 13 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, 47.6। आपने देखा ये इससे कितना ज़्यादा, 2.6, तो एवरेज अगर 2.6 ज़्यादा है तो टोटल कितना ज़्यादा होगा, 7 नंबर पे 2.6 एवरेज ज़्यादा है तो टोटल कितना होगा, 2.6 × 7। फिर आपने देखा 48 और 47.6 कितना गैप है, 0.4, मतलब 0.4 कम है, तो आपने देखा एवरेज अगर 0.4 कम है 13 नंबर का तो टोटल कितना कम है, 13 × 0.4, तो आपने देखा 48, 7 6 42, 11.2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 11.2 हो जाएगा, और उसके बाद 13 चौक कितना होगा आपके पास, 52 हो जाएगा, तो आपने देखा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 5.2, तो 48 ये कितना आ जाएगा आपके पास, 6, 48 और 6 कितना आ गया, 54, मतलब आपके पास जो सातवां नंबर आ गया वो आपके पास कितना आ गया, एक मिनट, 48, अच्छा यहाँ पे कहाँ से 112 लिख दिया मैंने, 16 × 7 कर दिया क्या, अच्छा 26 × 7 तो 182 होता है, तो 18.2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 18.2 हो जाएगा, तो आपने देखा
कि 48 प्लस ये कितना हो गया 13, 48 प्लस 13 कितना 61। अब ये वाला जो नंबर है ये आपके पास कौन सा नंबर आ गया, सेवन्थ नंबर। अब आपको क्या करना है कि सेवन्थ नंबर एक्सक्लूड करके जो रिमेनिंग नंबर बचते हैं, आपने देखा 19 नंबर है, सेवन्थ नंबर को एक्सक्लूड कर दोगे तो नंबर बचेंगे कितने, 18। तो उन 18 नंबर का आपको एवरेज बताना है। आपने देखा 19 नंबर का जो टोटल है वो कितना है, आपने देखा 19 नंबर का एवरेज जो है 48 है, तो टोटल कितना होगा 19 × 48। अब इस 19 नंबर के टोटल में से मैं सेवन्थ नंबर अगर घटा रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, ये जो आया है ये टोटल ऑफ 18 नंबर्स है, ठीक है। अगर मैं इसको 18 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर या एवरेज ऑफ 18 नंबर्स मेरे पास आ जाएगा नंबर्स। तो आपने देखा 19 को अगर मैं 48 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू क्या आएगी, 912, 912 में से 61 गया तो ये आपके पास आ जाएगा 851/18। तो 851/18 कितना होता है, 47.3। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला मार्क प्राइस ये है, अ पर्सन बाइज इट एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। हुआ क्या, मार्क प्राइस जो है वो आपको कितना दे दिया, 480। आपको बोला बंदे ने, एक बंदे ने जो मार्क प्राइस 480 है उस चीज को 2 डिस्काउंट पे खरीदा है, 15% और 10%। आपने देखा मार्क प्राइस की खुद की वैल्यू 100%, जिसमें से 15% छोड़ दिए, 15% का डिस्काउंट मिल गया तो कितनी वैल्यू में बिका, 85। अब ये जो वैल्यू आ गई ब्रैकेट की, ये वैल्यू अपने आप में 100%, इस पे 10% और छूट मिल गई तो वैल्यू रह कितनी गई, 90%। तो आपने देखा कि ये तो 20 गई और उसके बाद ये जाएगा अपना 17 पे और ये जाएगा 20 पे और ये जो 2 है इसको 24 पे काटेगी, तो 24 × 7 × 9 कितना हो जाएगा आपके पास, 3672। तो 367.2 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे एक 0 बची हुई है। तो 367.2 जो है वो क्या आ गया आपके पास, कॉस्ट प्राइस। मतलब आया तो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का, पर बंदे ने तो ये खरीदा है, अ पर्सन बाय मतलब ये बंदे ने खरीदा, तो बंदे के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया। वैसे तो ये सेलिंग प्राइस है कि मार्क प्राइस में अगर मैं डिस्काउंट छोड़ूं तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आता है। तो ये किसी शोरूम में, मान सकते हैं किसी शोरूम में ये आर्टिकल टंगा हुआ था तो उससे बंदे ने खरीदा, शोरूम के लिए तो कॉस्ट प्राइस हो गया, बंदे के लिए शोरूम के लिए तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, बंदे के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया क्योंकि बंदे ने खरीदा है, ठीक है, पर्सन बाय। तो कॉस्ट प्राइस बंदे के लिए हो गया कितना, 367.2। और प्रॉफिट जो है वो कितना है, मतलब अगर वो उसको 25% प्रॉफिट में बेचे, जिस बंदे ने इसको खरीदा 367.2 रुपये में, वो अगर उसको 25% प्रॉफिट में बेचे तो प्रॉफिट ही पूछ रहा है वो कितना है। तो प्रॉफिट ही निकालना है तो आप कॉस्ट प्राइस के 25% की वैल्यू निकाल लो सीधा सीधा। अगर आपको प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है तो प्रॉफिट जो है 25% है, प्रॉफिट निकलता किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो 25% निकाल लो कॉस्ट प्राइस का। ये कितने में गया, ये गया 91.8। तो 91.8 जो है करेक्ट आंसर होगा। अभी वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन को ना मैं आपको तरीके से कराता हूँ, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको जिंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिगर बनाने की, अगर मेरा जो बात है, मेरी जो बात है अगर आप ध्यान से समझ लोगे ना। मैंने एक ही बार ये चीज़ ध्यान से समझी थी, मैंने इस पे आधा घंटा लगाया था क्वेश्चन पे। अब इसको मैं ज़िंदगी में कभी ना भी पढ़ूँ ना क्वेश्चन को, मेरे से ये क्वेश्चन कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होगा और मैं इसकी फिगर भी नहीं बनाऊंगा, इस चीज़ की भी गारंटी है, ठीक है। आपको जब भी बोला जाए कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ पे है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ पे है और कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी, ठीक है, दो कॉर्ड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। अब बोलोगे आप सर डायमीटर है यहाँ पे, तो आप तो कॉर्ड की बात कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर जो होता है वो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, मतलब एक सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर होता है। तो डायमीटर भी एक तरह से कॉर्ड ही होती है, ठीक है। तो दो कॉर्ड जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको गिवन है एक सर्कल है जिसका सेंटर है ऊपर, दो कॉर्ड ए बी और सी डी आपने मान लिया इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, किस पे, ई पे, ठीक है, इनसाइड द सर्कल, ठीक है। तो आपने जब देखा कि सेंटर से, मतलब ए एक कॉर्ड का कोना, डी दूसरे कॉर्ड का कोना, और ये जो है एंगल जो सेंटर पे बना रहे हैं वो एंगल ओ पे बना रहे हैं, मतलब सेंटर जो है वो ओ है, तो एंगल ए ओ डी जो है वो सेंटर पे बन रहा है, एंगल बी ओ सी जो है वो भी सेंटर पे बन रहा है क्योंकि ओ जो है वो सेंटर है। तो आपने देखा कि जो
इंटरसेक्शन पॉइंट पे एंगल बनता है, मतलब कोड के दोनों कोड के इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि ई है जो उस पे एंगल बनता है। पहली बात तो आपने देखा कि ये जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ए ई डी जो है वो बी ई सी के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, आपने देखा ए और डी है तो आपने ए डी लिखना है और सेंटर का पॉइंट लिख देना, सेंटर है किस पे, ओ पे। फिर आपने बी और सी लिखना है और सेंटर का पॉइंट लिख देना, बटे दो कर देना, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेता वो कि बी ई सी की वैल्यू बताओ, तो आपने पता लग गया कि जो ए ई डी की वैल्यू आएगी वही बी ई सी की वैल्यू आएगी। पर अगर आपसे पूछ ले कि भैया ए ई सी की वैल्यू बताओ, तो ध्यान रखना ए ई सी की जो वैल्यू है वो बी ई डी की वैल्यू के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट। अब ये वाला फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो कैसे, आपने देखा कि ए और सी है और सेंटर कौन सा पॉइंट है, ओ। बी और डी है, सेंटर कौन सा पॉइंट है, ओ। और दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो से। ध्यान रखना बस यहां पे तो इंटरसेक्शन पॉइंट वाले कौन आते हैं, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो लेफ्ट हैंड साइड आता है, ई ई। तो ई जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, और जो सेंटर पे एंगल बनता है वो यहां पे आता है, और दोनों को जोड़ के बटे दो होता है, ठीक है। अब रट लेना इस चीज़ को, आपको कभी ज़िंदगी में फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ गई मेरा नाम पलट देना ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। जब ज्योमेट्री कराऊंगा तो और अच्छे से ये चीज़ें बताऊंगा। एक इंटरनली इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो आपने देखा कि एंगल ए डी की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, एंगल ए ओ डी 42, एंगल बी ओ सी 104, तो आपने देखा 146 हो गया। 146 का जो आधा होता है वो कितना होता है, 73 डिग्री। आपको बोला तीन नंबर है और पहला और दूसरा नंबर का जो रेशो है वो 2:7 है, और दूसरे और तीसरे नंबर का जो रेशो है वो कितना है, 5:8। तो आपने देखा कि आपको रेशो फर्स्ट और थर्ड नंबर बताना है, तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। तो सबसे पहला काम क्या होगा, रेशो को कंबाइंड कर लेंगे। रेशो को कंबाइंड करने के लिए दोनों में देखना कौन सा कॉमन है, दोनों में सेकंड जो नंबर है वो कॉमन है, तो सेकंड नंबर को इक्वल कर दो। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 से कर दो, तो आपने देखा 10, 35, 56। तो आपने देखा फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर जो है आपस में किस अनुपात में, 10:35:56 में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों नंबर आपस में 10, 35, 56 के अनुपात में रेशो में बोल सकते हैं आप। तो ये कितना हो गया, 5:28 काट के। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा एक्स एंड वाई स्टार्ट एट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। तो आपने देखा एक प्लेस ए, एक प्लेस बी, और दोनों प्लेस जो है वो 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, पहली चीज, ठीक है। तो एक्स जो है वो 4 किलोमीटर पर आर स्लोअर ट्रेवल कर रहा है, मतलब अगर स्पीड ऑफ एक्स, स्पीड एक्स है तो स्पीड ऑफ वाई आपके पास कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ एक्स प्लस 4 किलोमीटर पर आर, ठीक है। ये चीज आप ध्यान देंगे पहले तो, ठीक है, क्योंकि y से 4 किलोमीटर पर आर स्लोअर x, तो y जो है x से 4 किलोमीटर पर आर ज्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको दिया है कि x और y के बीच में, सॉरी, प्लेस a और प्लेस b के बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है, और x और y जो है दोनों सेम टाइम पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। x और y जो है दोनों सेम टाइम पे शुरू कर रहे हैं प्लेस a से प्लेस b पे जाना, ठीक है। y जो है प्लेस b को रीच कर जाता है, मतलब y जो है प्लेस b पे पहुंच जाता है, प्लेस b पे, और उसी टाइम वो बैक होता है, टर्न बैक होता है और x को मिलता है, मतलब x जो है वो तो चला आ रहा है, पर y ने क्या किया, y जो है b पे पहुंच गया और फिर साथ ही बैक हुआ, और बैक होते हुए वो x को मिला कहां पे, 16 किलोमीटर दूर बी से, ठीक है। तो आपने देखा हुआ क्या, हुआ क्या, एक्स और वाई सेम टाइम पे चले, तो वाई की स्पीड जो थी वो ज्यादा थी, वाई की स्पीड ज्यादा थी तो वाई जो है फटाफट से बी पे पहुंच गया, और बी से फिर टर्न बैक साथ ही लिया, 16 किलोमीटर दूर बी से एक्स को मिल गया वो, ठीक है। वाई जो है 16 मीटर दूर बी से एक्स को मिल गया। तो आपने देखा कि दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किया चलना, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया चलना, और दोनों ने सेम टाइम ट्रेवल किया, मतलब सेम टाइम पे चलना शुरू किया और सेम टाइम ट्रेवल किया और सेम टाइम पे मिल गए जाके, मतलब दोनों की टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो ट्रेवलिंग किया है वो सेम है, मतलब जितना टाइम एक्स ने ट्रेवल किया उतना टाइम ही वाई ने ट्रेवल किया। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की कि चलने का टाइम सेम है, मिलने का टाइम सेम है,
तो आपने देखा कि दोनों की टाइम की ड्यूरेशन सेम है, टाइम इक्वल टू टाइम कर दिया भाई, जितना टाइम एक्स ने लिया ट्रैवल करने में उतना ही टाइम वाई ने ट्रैवल किया, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आपने देखा कि वाई जो है 80 किलोमीटर चल के 16 किलोमीटर पीछे मिला, तो आपने देखा कि अगर 16 किलोमीटर बी से पीछे मिला है तो ए से बी का डिस्टेंस कितना 80, 80 में से 16 गया तो कितना आ गया 64, मतलब एक्स ने 64 किलोमीटर ट्रैवल किया, एक्स की स्पीड क्या है एक्स, वाई ने कितना ट्रैवल किया ए से बी तक तो ट्रैवल किया ही और 16 किलोमीटर वापसी में भी वो ट्रैवल करके गया जब वो एक्स को मिला, तो आपने देखा 80 और 16 कितना 96, मतलब एक्स वाई ने कितना ट्रैवल किया 96 किलोमीटर और स्पीड कितनी है वाई की एस एक्स प्लस 4, तो आपने देखा ये 2 पे जाएगा 3 पे जाएगा 2SX+8, तो स्पीड ऑफ एक्स जो है वो आपके पास कितनी आ गई 8। स्पीड ऑफ एक्स अगर 8 है तो वाई की स्पीड कितनी हो जाएगी 8+4 जो कि कितना हो जाएगा 12, और यही आपसे पूछा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें जो वोटर है टोटल नंबर ऑफ वोटर जो है वो मेल है 55%, मतलब टोटल नंबर का 55% जो है वो मेल वोटर है और फीमेल वोटर जो है वो कितना है 45%, मतलब रिमेनिंग आपने मान लिया टोटल नंबर ऑफ वोटर जो है वो कितने होंगे 100%, जिसमें से मेल जो है वो 55% है तो फीमेल कितनी हो गई 45%, 100 में से 55 गया तो कितना हो जाएगा 45%। आपको बोला है 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट, 40% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट मेल्स, मतलब आपको दोनों बार चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो दोनों बार अनपढ़ों की परसेंटेज बतानी है, तो आपने देखा कि अच्छा देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर, ठीक है, तो आपने देखा दोनों बार आपको इलिटरेट बताने हैं, तो आपने देखा इलिटरेट मेल कितने, आपने देखा टोटल नंबर ऑफ मेल्स अपने आप में 100% है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेल्स जो है वो 100% है जिसमें से 40% जो है वो क्या है इलिटरेट, तो आपने देखा 55% का 40%, 40% कितना होता है 2/5, तो आपने देखा कितना आ गया 22%, मतलब 22% जो है मेल वो इलिटरेट है, फीमेल अपने आप में कितना है 100% जिसमें से 40% जो है वो लिटरेट है मतलब पढ़ी लिखी, तो अनपढ़ कितनी हो गई 100% में से 40% गया कितना 60% हो गया, तो 60% की वैल्यू कितनी होती है 3/5, 5 जो है इसको 9 पे काटेगा 9 होती है कितना हो जाएगा 27%, मतलब फीमेल जो है वो 27%, मतलब टोटल पॉपुलेशन का फीमेल जो है वो 27% इलिटरेट है और टोटल पॉपुलेशन का जो मेल इलिटरेट है वो कितने इलिटरेट है 22%। आपको बोला है कि बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट मैन, तो आपने देखा कितने परसेंट ज्यादा है 22% और 27% का डिफरेंस कितना आ जाएगा, मतलब मेल जो परसेंटेज है इलिटरेट का वो फीमेल से, मतलब फीमेल का जो इलिटरेट का परसेंटेज है मेल से कितना ज्यादा है 5% ज्यादा है, पूछा किस पे मेल इलिटरेट के परसेंटेज पे, तो 5/22 × 100 तो 500/22 हो जाएगा, तो 500/22 सबका कितना आ जाएगा 44, 60 के बाद जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास दोबारा 2 ही आएगा, तो 22.727, तो 22.727 तो 22.7 ही है, तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा। आपको बोला है भाई व्हाट परसेंटेज इज द टोटल एक्सपोर्ट इन 2014 एंड 2016 लेस देन द टोटल इम्पोर्ट इन द सेम टू ईयर्स, तो 2014 और 2016 की बात हो रही है पहली बात, तो टोटल इम्पोर्ट आपने देखा 360 440, तो 360 को अगर मैं 440 से जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 800, ये क्या हो गया इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट क्या आएगा आपके पास, आपने देखा एक्सपोर्ट जो है वो ये वाला है, तो ये कितना 300 और 400 कितना 700, तो आपने बताना है कि एक्सपोर्ट जो है वो कितना कम है इंपोर्ट से, तो आपने देखा 100 कम है, पूछा किस पे है इंपोर्ट पे पूछा है, तो 100/8 कितना होता है 12.5%। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ पेपर बाय कंपनी ए इन 2016 एंड 2019, कंपनी ए 2016-2019 कितना हो गया 270, 120 और 150 कितना होगा 270, और कंपनी बी का 2014 और 2017, 2017 150, 2014 कितना 60, 2014 में 60 ही है ना, 60 ही है, 150 और 60 कितना 210, तो ये जो है 30 पे जाएगा कितने पे 9:7 पे।
आपको बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय कॉलेज ए फ्रॉम 2014 से 2018। तो आपने देखा 2014 से 2018 का एवरेज, तो आपने देखा साल तो कितने हैं 5, तो एवरेज आपको निकालना है। तो आपने देखा टोटल एप्लीकेंट एप्लीकेशंस कितने हो गई, 220 में 160 जोड़ा कितना, 380 और 180, 380 और 180 कितना हो जाएगा 560, और 560 में अगर मैं 490 ऐड करूं, 560 में अगर मैं 490 ऐड करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 360, 560, एक सेकेंड लेट मी चेक इट अगेन। तो आपने देखा कॉलेज ए में जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन होंगी 2014 से 2018 वो कितने होंगी, 220 160 कितना होगा 380, और 380 में 180 जोड़ूंगा तो कितना 560, 560 में 160 जोड़ूंगा 720, और 720 में अगर मैं 250 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 970 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये आ गया आपका 2014 से 2018 का एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो कॉलेज ए ने रिसीव किया, तो 970 बाय 5 ये आपके पास हो जाएगा 194। ठीक है, अब कॉलेज बी का एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेशन देख लो 2014 से 2018 तक, तो 150 में 240 अगर आप जोड़ो तो कितना आएगा 390, 390 में 170 जोड़ोगे तो आपका आएगा 560, और 560 में अगर आप 390 जोड़ोगे तो ये कितना आ गया 950 आ गया, 950 बाई 5 आपने किया तो आपने देखा कितना आ गया 190। तो डिफरेंस ही पूछा था, ये एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय कॉलेज बी, ये एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय कॉलेज ए, दोनों का डिफरेंस पूछा कितना 4 आ जाएगा। आपको बोला द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ मेडिकल स्टोर्स हुज डेली अर्निंग्स आर, अब ध्यान देना यहाँ पे आपको बोला है कि परसेंटेज का आपको डिफरेंस बताना है। तो आपने देखा कि लेस देन 1000 जिसकी अर्निंग है वो कितने हैं, 16 प्लस 10 22, तो इनका आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज जो है 1000 से कम का निकलेगा किस पे, टोटल पे, तो टोटल की वैल्यू देख लो 16 और 10 26, अच्छा सिली मिस्टेक्स पता नहीं क्यों हो रही हैं। तो आपने देखा डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ मेडिकल स्टोर जिनकी डेली अर्निंग जो है वो 1000 से कम है, तो 1000 से कम कितनी कितने बंदों की है, तो आपने देखा कितने बंदों की नहीं सॉरी कितने मेडिकल स्टोर की है, तो 16 और 10 कितना 26, 26 मेडिकल स्टोर की अर्निंग जो है वो डेली की 1000 से कम है, और टोटल मेडिकल स्टोर कितने हो गए 16 और 10 26 और 6 32 और 8 40, 40 और 10 50, तो आपने देखा कि ये कितना आ गया 52%, मतलब 52% मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जिनकी डेली की अर्निंग जो है 1000 से कम है, और फिर आपने 1200 से ज़्यादा की डेली अर्निंग देखनी है कि जिनकी डेली अर्निंग 1200 रुपये से ज़्यादा हो, तो 8 और 6 14 और 4 18, और टोटल कितना है 50 मेडिकल स्टोर है। तो आपने देखा कि परसेंटेज कितना आ जाएगा मेडिकल स्टोर का, मतलब परसेंटेज ऑफ मेडिकल स्टोर जिनकी डेली अर्निंग जो है वो 1200 रुपये या 1200 रुपये से ज़्यादा है वो कितनी है 36%, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस ही पूछा, तो 52 और 36 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 16%, 16% जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चन पूरे कराए आपको, तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नॉन जो भी आपका तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना अपने प्रीवियस रिव्यू, फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें, थैंक यू।